नमस्कार मित्रों, मैं गणेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के स्कूल एंट्रेंस एग्जाम CHS बॉयज स्कूल कमच्छा वाराणसी के कट ऑफ की और साथ ही साथ इसकी काउंसलिंग डेट की और क्या है इसकी काउंसलिंग प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के CHS बॉयज स्कूल कमच्छा वाराणसी की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे हम देख लेते हैं क्लासिक्स के कट ऑफ की। मैं पहले नंबर पे जो बोलूँगा वो आपका मेन लिस्ट का मार्क्स रहेगा, सेकेंड नंबर पे जो बोलूँगा आपका वेटिंग लिस्ट का मार्क्स रहेगा। तो इसमें आप पहले नंबर पर आता आपका जर्नल है OBC कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो मेन लिस्ट में आपका 86 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में आपका 78 मार्क्स है। अगर हम बात करें SC कैंडिडेट की तो 81 मार्क्स आपका मेन लिस्ट में है, 65 मार्क्स आपका वेटिंग लिस्ट में है। अगर हम बात करें ST कैंडिडेट की तो 78 मार्क्स आपका मेन लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में आपका 50 मार्क्स है। अब बात आती है आपकी PC मीन्स फिजिकल चैलेंज, जो बच्चे हैंडीकैप्ड है उनकी अगर बात करें तो मेन लिस्ट में आपका 76 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में आपका 25 मार्क्स तक है। अब बात आती है BHU एम्प्लॉय कैंडिडेट की, तो अगर हम इसकी जर्नल और OBC कैंडिडेट की बात करें तो मेन लिस्ट में आपका 33 मार्क्स है और आपकी वेटिंग लिस्ट में इससे कम जाने की एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका PC, SC और ST कैंडिडेट। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मेन लिस्ट की जो मार्क्स रखी गई 25 मार्क्स केवल है और वेटिंग लिस्ट में से आपकी कम जाने की एक्सपेक्टेशंस है। ये हो गया आपके क्लास 6 का ओवरऑल कट ऑफ। अब बात आती है क्लास 9th की, तो अगर हम क्लास 9th की जनरल कैंडिडेट की बात करें तो मेन लिस्ट में आपका 69 है और वेटिंग लिस्ट में आपका 58 मार्क्स है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका SC कैंडिडेट की बात करें तो मेन लिस्ट में आपका 58 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में आपका 44 मार्क्स है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका ST कैंडिडेट की, तो मेन लिस्ट में बात करें तो 56 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में आपकी 25 मार्क्स हैं। अब बात आते हैं कि PC मतलब फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट, जो बच्चे आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनकी अगर हम बात करें तो मेन लिस्ट में आपका 57 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में आपका 25 मार्क्स है। अगर हम बात करें क्लास 9th के BHU एम्प्लॉय कैंडिडेट की तो जनरल और OBC का जो मार्क्स है आपका 33 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में से कम जाने की एक्सपेक्टेशन से। अगर बात करें SC, ST और PC कैंडिडेट की तो ओनली आपकी 25 मार्क्स है मेन लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट में से कम भी जा सकता है। अब बात आती है क्लास 11th मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स ग्रुप की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए मेन लिस्ट में जो आपकी कट ऑफ है 71 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में आपके 60 मार्क्स है। अब बात आती है SC कैंडिडेट की, तो SC कैंडिडेट का 63 मार्क्स है आपके मेन लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में 48 मार्क्स है। नेक्स्ट आता है आपका ST कैंडिडेट, इसमें आपका मेन लिस्ट में 57 मार्क्स है, वेटिंग लिस्ट में आपकी 25 मार्क्स तक जाने की एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका PC आपका मेन लिस्ट में 65 है और वेटिंग लिस्ट में 25 मार्क्स है। अब बात आती है BHU एम्प्लॉय कैंडिडेट की, तो इसमें आपकी जो मेन लिस्ट में है आपके 39 मार्क्स है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, वेटिंग लिस्ट में आपकी 33 मार्क्स है। और आप अगर BHU एम्प्लॉय में SC, ST और PC कैंडिडेट हैं तो आपकी जो मेन लिस्ट में है 25 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में आपकी इससे कम भी जा सकता है। अगर हम बात करें क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप की तो इसकी जो मेन लिस्ट में आपके जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 68 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में 48 मार्क्स है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका SC कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो मेन लिस्ट में आपका 60 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में आपका 35 मार्क्स है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका ST कैंडिडेट की, तो आपकी जो मेन लिस्ट में इसकी मार्क्स जो है आपकी 58 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में आपकी 25 मार्क्स है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका PC कैंडिडेट, फिजिकल चैलेंज या हैंडीकैप्ड कैंडिडेट की बात करें तो मेन लिस्ट में 49 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपको 25 मार्क्स इसमें आना चाहिए। अब बात आती है BHU एम्प्लॉय की बात करें, जो एम्प्लॉय कैटेगरी में कैंडिडेट आते हैं उसकी बात करें तो मेन लिस्ट में आपके जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 34 मार्क्स और वेटिंग लिस्ट में आपका 33 मार्क्स है। अगर हम बात करें BHU एम्प्लॉय कैंडिडेट की SC, ST और PC कैंडिडेट की बात करें तो जो आपकी मेन लिस्ट में है 25 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में इससे कम भी
जाने की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम बात करें क्लास इलेवेंथ आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप की, तो इसमें आपकी जो मेन लिस्ट में है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 73 मार्क्स है, और आपकी जो वेटिंग लिस्ट में 41 मार्क्स है। अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट की, तो इसमें आपकी जो मेन लिस्ट में है 69 मार्क्स है, और आपकी वेटिंग लिस्ट में 25 मार्क्स केवल है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका एसटी कैंडिडेट, इसमें आपकी मेन लिस्ट में 61 मार्क्स है और आपके वेटिंग लिस्ट में 25 मार्क्स है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका पीसी कैंडिडेट, इसमें आपके मेन लिस्ट में 56 मार्क्स है और वेटिंग लिस्ट में 25 मार्क्स है। इसमें आता है नेक्स्ट इसमें आता है आपका बीएचयू एम्प्लॉय कैंडिडेट में, अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट में आते हैं तो मेन लिस्ट में आपका 36 है और वेटिंग लिस्ट में 33 मार्क्स है। और लास्ट इसमें आता है आपका बीएचयू एम्प्लॉय कैंडिडेट हैं, अगर आप एसटी एससी और पीसी कैंडिडेट मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो आपके मेन लिस्ट में है केवल आपके 25 मार्क्स होने चाहिए और वेटिंग लिस्ट में इससे कम भी जा सकता है। तो ये थी कुछ आपके कट ऑफ जो मैंने बताए आपके क्लास सिक्स, क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवेंथ रिलेटेड। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने कितना मार्क्स गेन किया सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम, वो भी आप मार्क्स मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। अब बात आती है काउंसलिंग डेट की, तो इसकी काउंसलिंग डेट की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके टाइमिंग की बात करेंगे, और आपको कितना अप्रॉक्स फीस पे करना होगा, कि आपको फीस काउंसलिंग के टाइम ही पे करना होगा या काउंसलिंग के बाद पे करना होगा, साथ ही साथ काउंसलिंग की क्या प्लेस है रखी गई है, और ये काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। पहले नंबर पे इसमें आता है आपका काउंसलिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो एक आपको काउंसलिंग डेट दी जाएगी, उस डेट पे आपको काउंसलिंग जो प्लेस दिया जाएगा उस काउंसलिंग प्लेस पे आपको विजिट करना होगा। अगर आप कट ऑफ की मेन लिस्ट में आते हैं तो आपकी काउंसलिंग होगी, उस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, साथ ही साथ आपको फीस को पेमेंट करना होगा, और आपकी एडमिशन प्रोसेस जो होगी आपकी कन्फर्म हो जाएगी कि आप इस सीट पर आपकी दावेदारी हो गई है, आपकी एडमिशन कन्फर्म हो गई है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप वेटिंग लिस्ट में आते हैं तो भी आपको काउंसलिंग में आना जरूरी है, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट में जो मार्क्स आपको चल रहा है मे भी अगर आपका आ सकता है काउंसलिंग में, तो आप भी आइएगा विथ डॉक्यूमेंट के साथ, और आपको भी काउंसलिंग कराना रहेगा, और आपकी फ़ीस जो होगी आप पेमेंट कर सकते हैं विथ इन आपके 3 days to 1 week आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी काउंसलिंग डेट की, तो पहले नंबर पर आता है क्लास सिक्स की, इसकी जो डेट है आपकी 21 June 2019 है। अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8 से 12 इसकी टाइमिंग है, और आपकी फ़ीस जो है अप्रॉक्स सारे का सेम है, 5000 सारे क्लास में आपके अप्रॉक्स फीस लगेगी। अब बात आती है क्लास नाइन्थ की, तो इसकी जो डेट है आपकी 22 June 2019 है, और टाइमिंग आपकी सेम है क्लास सिक्स की तरह सुबह 8 से 12। अगर हम बात करें क्लास इलेवेंथ मैथमेटिक्स ग्रुप की, तो इसकी डेट ऑफ काउंसलिंग की बात करें तो 24 June 2019 इसकी काउंसलिंग है डेट आपकी, टाइमिंग आपकी सेम है सुबह 8 से 12, और फीस आपको नियर अबाउट 5000 पे करना होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है क्लास इलेवेंथ बायोलॉजी ग्रुप, 25 June 2019 इसकी डेट है आपकी, टाइमिंग आपकी सेम है मैथमेटिक्स ग्रुप की तरह ही। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका क्लास इलेवेंथ आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप, इसकी जो डेट ऑफ काउंसलिंग आपकी 26 June 2019 से, टाइमिंग आपकी सुबह 8 से 12 के बीच है, और इसकी फ़ीस जो है अप्रॉक्सीमेट 5000 आपको पे करना होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका पेड सीट पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास इलेवेंथ में, तो उसकी जो आपकी डेट ऑफ काउंसलिंग है 27 June 2019 से, और इसकी टाइमिंग सेम है सुबह 8 से 12, और इसकी जो फ़ीस पे करनी होगी 5000 जो आपकी नॉर्मल फ़ीस रहेगी, और आपकी 20000 जो रहेगी पेड सीट की फ़ीस रहेगी। तो टोटल आपको फ़ीस जो पे करना होगा 25000 फ़ीस करना होगा, 25000 पे करना होगा एक सीट के लिए। आपकी टोटल पेड सीट में जो सीट रहती है आपकी टोटल 5 सीट रहती है, क्लास इलेवेंथ के लिए ही केवल रहती है, पेड सीट में एडमिशन होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो आपको 3000 अलग से आपको पे करना होगा कंप्यूटर साइंस। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपके वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, फ्यूचर में जो भी आपके चैनल से रिलेटेड अपडेट आएंगे उसको आपको मिलते रहेंगे।
साथ ही साथ अगर आपके सीचेस कट ऑफ से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरियस है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, और साथ ही साथ आपने कितने मार्क्स सीचेस एंट्रेंस एग्जाम में पाए हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।